अस्सलामु अलैकुम मौजूद नाजरीन, आप तमाम का G7 न्यूज़ में इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं नियायती शर्मनाक खबर की जानिब। चंदन गुट्टा PS हदूद में एक हैवान नुमा टीचर जिसका नाम अंसार है, जो घर पर ही बच्चों को ट्यूशन दिया करता था, इसने एक 7 साला आसिया बेगम नामी मासूम के साथ शर्मनाक हरकत करते हुए टीचर जैसे इज्जतदार प्रोफेशन पर कालिक पोत दी। अंसार ने यूसुफ एन कॉलोनी की रहने वाली मासूम, जो इसके पास ट्यूशन हासिल करने जाती थी, इसे अपनी हवस का शिकार बनाया। लड़की को इस हैवान की शैतानी हरकतों से खौफ होने लगा तो इसने ट्यूशंस जाना बंद कर दिया। माँ की तफ्तीश के दौरान इसके ही एक कज़िन ने लड़की की माँ को सारी तफसीलात बताई। लड़की की माँ ने सोशल एक्टिविस्ट सफिया माही को फ़ोन करके सारा वाकया सुनाया और दोनों ने मिलकर इस हैवान के खिलाफ चंद्रन गुट्टा PS में एक शिकायत दर्ज करवा दी और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का भी मुतालबा किया। आगे की तफसीलात सुनते हैं मुतासरा लड़की की वालिदा की जबानी। पेश है हमारे नुमाइंदे अफसर खान G7 न्यूज़ के लिए ये खास रिपोर्ट। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी बच्ची का नाम आसिया है, ट्यूशन को जाते थे उन्हों, एक दरिंदा बच्ची के साथ गलत हरकत कर रहा था। हमारी छोटी बच्ची देख के हम लोगों को घर में बोलने से हम लोग 7 साल के हैं। कहाँ रहते हैं आप? हम लोग यूसुफन कॉलोनी में रहते हैं। अब वही बच्ची के साथ गलत हरकत करे बोल के मालूम हुआ, अब हम लोग PS को आए, हमारी बच्ची के साथ इंसाफ होना। फोन करे वो ट्यूशन के सर करे। क्या नाम है उनका? अंसार है। ट्यूशन को जाती थी? ट्यूशन को जाती थी, 2 महीने हुआ बच्ची ट्यूशन जाने लग के। कितने बच्चे पढ़ते वहाँ पे? 5 बच्चे पढ़ते, 3 मर्द बच्चे पढ़ते, 2 औरत बच्चियाँ पढ़ते। कब हुआ ये? ये 8-10 दिन पहले हुआ। फिर आप कम्प्लेंट लिखा है? कम्प्लेंट कल लिखा है हम लोग, कल से फिर रहे PS को। क्या बोले? अब ये वही अब फिरा रहे इधर, कल आज कल आज बोल रहे। कम्प्लेंट नहीं ले अभी? नहीं, ये अब दिए, वो भी कल से फिर रहे तो अब दिए। बस इंसाफ रख। हमारी बच्ची ट्यूशन जाते थे, 7 साल के हम लोग, वो सर बच्ची के साथ गलत हरकत करे और 5 बच्चे पढ़ते थे उनके पास 2 महीने से। अब उन्होंने कल हम लोग कम्प्लेंट दिए, खाली फिराते जा रहे PS को, अब दिए वो भी बच्ची का। कौन से PS में दिए? ये चंदन गुट्टा PS, वही बच्ची को ले लेके आए हम लोग, अब वो फिराते जा रहे हैं लोग। यहाँ से कहाँ गए थे आप? हम लोग यूसुफन कॉलोनी में रहते। PS से कहाँ गए थे? PS से भरोसा हाफिज गए हम लोग, भरोसा वहाँ भी बच्ची का पूरा वो ले लिए, बच्ची का स्टेटमेंट ले लिए, ले लेके फिर हम आपको यहाँ भेजा है। हमारे के ही बच्ची का इंसाफ होना। सफिया माई ह्यूमन सेल RI डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट BM, यहाँ चंद्रायन गुट्टा PS लिमिट में एक यूसुफ एन कॉलोनी का केस आया है। ये 7 साल की बच्ची के साथ प्रिंसिपल गलत हरकत कर रहा था, उसकी छोटी बहन देख ली। वो बच्ची 8 दिन पहले हुआ, लेकिन वो बच्ची घर पे डर के ट्यूशन नहीं जा रही थी। घर वाले उसको डेली फोर्स कर रहे ट्यूशन जाने के लिए, बच्ची के दिल में डर बैठ गया, वो नहीं जाती बोल रही थी, घर वाले गलत सोच रहे थे। इत्तेफाक से कल उनके बड़ी बहन के कुछ बच्चे घर आए हुए थे, तो बच्चा भी वही बोल रहा था, मैं ट्यूशन नहीं जाता हूँ सर, अच्छे नहीं है, गलत हरकत करते बोल। तो फिर ये बच्ची 5 साल की जो इनकी बच्ची है, वो बच्ची बोली करते हो फलाना दीदी के साथ भी ऐसा ऐसा करा, बेडरूम में लेके जाके गलत हरकत करा बोल के। अब ये जमाने में आप लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोल के जो नारा लगा रहे, बेटी ना घर में सेफ है ना स्कूल में सेफ है, आखिर बच्चियां जाए तो जाए कहाँ? हमारे अब ये बंगारू तेलंगाना बोल रहे आप लोग, ये बोल रहे वहां पर बच्चियों को सेफ्टी नहीं है। हमारी हुकूमत से KCR साहब और कमिश्नर साहब से हमारी गुजारिश है, जो सजा सऊदी में सुनाई जाती है, यहाँ के बलात्कारियों की भी आप वही कानून निकालिए तो ये किस्सा खत्म होगा, नहीं तो ये हमेशा ऐसे ही चलते रहेंगे। बार बार हम आप लोग से बोल रहे हैं, ये बलात्कारियों को सऊदी में जो कानून है वही यहाँ पर इन लोगों को सजा दीजिए।